अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सलीम फ्रॉम स्किल्स अकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से लोगो और फेविकॉन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो लोगो बेसिकली वो चीज़ है जो आपके हेडर में शो होती है, और फेविकॉन वो चीज़ है जो टाइटल बार में शो होती है। तो सबसे पहले फेविकॉन ऐड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कस्टमाइज में। अगर आपके पास लोगो है, इसे आप ऐड करें और इसका आइकन रहने दें। अच्छा, उसके बाद क्लिक करें रिमूव के ऊपर और यहाँ से सेलेक्ट साइट आइकन, सेलेक्ट फाइल्स, उसके बाद इसे सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद आप क्रॉप इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फेविकॉन हमारा लग चुका है। उसके बाद हम पब्लिश। अच्छा, उसके बाद अपीयरेंस में जाएंगे और उसके बाद डिग इको ऑप्शंस में जाएंगे। तो यहाँ से आप हेडर में जाएंगे और ये हमारा मेन लोगो है, यहाँ पे आप अपना लोगो ऐड करेंगे। हर होस्टिंग का डिफरेंट सिस्टम होता है, तो हो सकता है मतलब आपको कहीं और से चेंज करना पड़े, तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने पड़ेंगे कि आप कहाँ से अपना लोगो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेव चेंजेस। तो उसके बाद हमारा लोगो अपडेट हो जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।